बदला मोदी सरकार का रिवाज। मोदी सरकार में शिवराज ने चलाया अपना राज। शिवराज सिंह चौहान अब अपनी नई जिम्मेदारी को निभाने में लग गए हैं। कृषि मंत्री बनने के बाद से जनता की मांग को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही है। अब देखिए, ये तो हर कोई जानता है कि जब जनता की बात आती है तो शिवराज कुछ भी नहीं देखते। जैसे शिवराज दिल्ली में भी अब अपनी चला रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार के रिवाज को बदल दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कृषि मंत्री शिवराज ने अभी अभी मध्य प्रदेश में जनता के लिए बड़ा फैसला लिया और अब उन्होंने केंद्र में भी अपनी चलानी शुरू कर दी है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवराज अब राज्य के कृषि मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। शिवराज ने बदला मोदी सरकार का रिवाज। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि शिवराज ने मोदी सरकार का एक रिवाज बदल दिया है। दरअसल 2014 और 2019 के मोदी राज में आज तक राज्य के मंत्रियों के साथ कोई परामर्श बैठकें नहीं हुई है, लेकिन अब शिवराज बहुत जल्द राज्य के कृषि मंत्रियों से मुलाकात करने जा रहे हैं। खबरें हैं कि वो एक बैठक करने वाले हैं। बैठकों का दौर 1 जुलाई से शुरू हो सकता है। हालांकि इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शिवराज दिल्ली में अपनी चला रहे हैं। ये रिवाज बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। लोगों का कहना है कि इसे ये दिख रहा है कि शिवराज अपनी चला रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चौहान सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ और असम के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अंदर की खबर है कि कृषि मंत्रालय ने राज्य के मंत्रियों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए बुलाया है। इतना ही नहीं, बातें तो ये भी चल रही है कि राज्य के कृषि मंत्रियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है और संबंधित राज्यों में किसानों और खेती की स्थिति पर अपने विचार रखने के लिए कहा गया है उनसे। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी शिवराज ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया था। दिल्ली में शिवराज ने एक बैठक की थी। इस बैठक में कृषि मंत्री शिवराज ने मध्य प्रदेश में पैदा होने वाले श्री अन्न कोदो कुटकी को भी रागी की तरह समर्थन मूल्य MSP पर खरीदने का फैसला किया था। यानी आसान भाषा में कोदो कुटकी एक फसल है जिसको MSP पर खरीदने का फैसला शिवराज ने लिया, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। और अब शिवराज ने एक बार फिर से दिल्ली में अपनी चलानी शुरू कर दी है और मोदी सरकार के एक रिवाज को बदल कर रख दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको शिवराज का हाल फिलहाल का एक बयान सुनाते हैं। 11वीं की परीक्षा देनी थी, मैं तो गांव का रहने वाला, भोपाल में कमरा किराए पे लेके पढ़ते थे। आंदोलन से स्वाभाविक रूप से छात्र होने के कारण जुड़ा था। मेरी परीक्षा थी, मुझे अच्छी तरह याद है, 10 अप्रैल से 76 की बात कर रहा हूं मैं। 8 तारीख को मैं रात को 11 बजे पढ़ रहा था, दरवाजा कमरे का खटखटाया। मैं ऐसे ही पजामा और बुशर्ट में जैसे पढ़ते हैं घर में वैसे था, और तो कोई था नहीं। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले दिखाई दिए, तो बोले तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। हमें और पहले और भी दुबला पतला था। तो मेरी परीक्षा थी, तो मैंने एक बार तो ये कहा कि नहीं आंदोलन कहाँ, दूसरा बोला कि ये कहा दुबला पतला आंदोलन चलाएगा, कोई दूसरा शिवराज सिंह चौहान होगा। तो एक घाघ से हेड कांस्टेबल थे, उनका नहीं तलाशी तो ले ही लो। अब तलाशी ली तो मटेरियल निकल गया आपात के। मैं उसके बाद आपको बता रहा हूँ, 4 थपाड़े तो हमारे, और जैसी गालियां दी मैं बयान नहीं कर सकता आपको। पकड़ के ले गया भोपाल के हबीबगंज थाने में, हमने नाम बदल के कर दिया रानी कमलापति उसका, स्टेशन का भी। और वहाँ बता ये कहाँ से आए तेरे पास साइकिल स्टाइल पर्चे बाकी चीज़ें। और मैं सच कह रहा हूँ, इमरजेंसी क्या होती है, मेरे घुटनों के जोड़ों में, कोहनियों के जोड़ों में इतने डंडे मारे गए कि आज भी जब बादल आते हैं कड़कते हैं तब हाथ और पैर दुखते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। भयानक पिटाई। और मेरी उम्र कितनी थी, 17 साल मुश्किल से। ऐसी एक घटना नहीं थी, अनेकों घटनाएं थी। रात भर जगा के रखा,
सोने भी नहीं दिया, खाने भी नहीं दिया, बता सही कर देंगे तुझे।